दिल्ली के रामलीला मैदान में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गाजे बाजे के साथ हो रही चहल पहल के दौरान अचानक एक आवारा सांड ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। पूरी खबर जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। कहते हैं कि जानवर जितने शांत होते हैं उतने ही खतरनाक। एक बार वो अपना आपा खो बैठे तो सामने आने वाले किसी भी इंसान को नहीं छोड़ते, फिर वो चाहे एक मासूम बच्चा ही क्यों ना हो। कुछ ऐसा ही हुआ बीती रात रामलीला मैदान में, जहां एक आवारा सांड ने महिला और बच्चे पर अटैक कर दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर रामलीला मैदान में अचानक से आवारा सांड घुस आया और उसने महिला और बच्चे पर हमला बोल दिया। वहीं भीड़ ने किसी तरह से बच्चे को बचाया। इस घटना से मेले में भगदड़ मच गई। बड़ी मुश्किल से सांड पर काबू पाया गया और उसे पकड़कर गौशाला भेज दिया गया। बता दें कि छुट्टी होने के कारण मेले में काफी भीड़ थी और इसी दौरान एक आवारा सांड भीड़ के बीच पहुंच गया। हालांकि इसके पीछे का कारण लाउड स्पीकर की तेज आवाज बताई जा रही है। लोगों का कहना है कि स्पीकर की तेज आवाज सुनकर सांड पागल हो गया था। वहीं अब इसी वाकये का ये वीडियो काफी तेजी से इन दिनों सुर्खियां बटोर रहा है। वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि सांड के उत्पात से बचने के लिए लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। मेले में मौजूद किसी शख्स ने इस घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। गनीमत ये रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी। घटना की जानकारी मिलते ही नगर पालिका और पशु विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और सांड को पकड़कर गौशाला भेज दिया। बता दें कि यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव आवारा पशुओं को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। इसी बीच उन्होंने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में कई सांड और आवारा पशुओं को भी देखा जा सकता है और इसी बीच रामलीला मैदान से जुड़ा ये वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज़।